का वो काला पेज है जिसमें रिच और फेमस लोगों के बारे में छपता है। मेरा नाम मणियासुर है। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का भाव कभी भी कम नहीं होना चाहिए। कैसी रही बच्चन पांडे की कहानी? क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म में क्या अच्छा था? फिल्म में कहां रह गई कमी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अक्षय कुमार, कृति सैनन और अरशद वारसी की फिल्म बच्चन पांडे आखिरकार होली पर रिलीज हो गई है। अक्षय सूर्यवंशी के बाद एक बार फिर से थिएटर्स की स्क्रीन पर छाने के लिए तैयार है। ट्रेलर देखकर ही मसाला एंटरटेनिंग फिल्म का अंदाजा लगाया गया था। सूर्यवंशी के डायलॉग राइटर फरहाद सामजे इस फिल्म के डायरेक्टर है। दोनों फिल्मों में बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों फिल्म में अलग है। तो क्या अक्षय कुमार अपनी पिछली फिल्म सूर्यवंशी जैसा इस फिल्म में भी कमाल दिखाएंगे या नहीं, आइए इस रिव्यू में जानते हैं। बच्चन पांडे में मायरा देवकर नाम की एक फिल्म मेकर है जिसकी कई स्क्रिप्ट्स प्रोड्यूसर्स रिजेक्ट कर चुके हैं। वो अपनी इंडस्ट्री के दोस्तों और लोकल रेसिडेंट्स विशु के साथ एक खूंखार लेकिन शरारती गैंगस्टर बच्चन पांडे पर फिल्म बनाने निकल पड़ती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि चीजें इतनी खराब हो जाएंगी जितनी उसने कभी सपने में भी ना सोची थी। अक्षय कुमार काफी लंबे समय के बाद कुछ अलग कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने इस अवतार में देखकर कुछ लोगों को तो रावड़ी राठौड़ याद आ गया। हालांकि लुक के हिसाब से उनका ये रोल एकदम अलग है। ये फिल्म 2014 में आई तमिल फिल्म जिगर ठंडा का हिंदी रीमेक है। फिल्म के साथ तीनों ही एक्टर्स ने पूरा इंसाफ किया है। जिसने तमिल ओरिजिनल फिल्म देखी है और जिसने नहीं देखी है, दोनों को ही ये फिल्म पसंद आएगी। अक्षय तो अक्षय, साथ ही कृति सैनन और अरशद वारसी को भी स्क्रीन पर देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। वहीं जैकलिन फर्नांडिस, पंकज त्रिपाठी और संजय मिश्रा जैसे कलाकार ने भी कमाल किया है। कुछ मिलाकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म पैसा वसूल है। फिल्म के डायलॉग्स पर तो आपको तालियां पड़ती नजर आएंगी। गैंगस्टर मूवी होने के नाते फिल्म में एक्शन सीन्स और डेडली सीक्वेंसेस और ज्यादा हो सकते थे। इसी तरह जब कॉमेडी की बात आती है तो इसमें पंच लाइंस और डाली जा सकती थी और ऐसे सीन्स को और बेहतर किया जा सकता था। लेकिन वहीं सेकेंड हाफ में अगर पंकज त्रिपाठी को छोड़ दिया जाए तो और कुछ ज्यादा मजेदार नजर नहीं आता है। माना कि फिल्म रीमेक है, लेकिन जिगर ठंडा के क्लाइमेक्स को यहाँ बदल कर लिया जा सकता था, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म में क्लाइमेक्स थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आता है और वहीं यहाँ भी हुआ। देखिए, फिल्म तो देखनी बनती है बॉस। ऐसा नहीं है कि आपको इस फिल्म को नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि वीकेंड पर आप इस फिल्म का प्लान बना सकते हैं। भले ही कुछ कमियां हैं, लेकिन उनको साइड करके ये फिल्म देखनी चाहिए। तो आप लोग कब जा रहे हैं फिल्म देखने, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहे और सेफ रहे। बाय।